आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मुश्किल। और अगर बात बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर आ जाती है तो हम थोड़ा और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारे बच्चे, हम या हमारी आने वाली नस्लें स्वस्थ होंगी तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। आज बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो, ऋतु परिवर्तन हो, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं और बच्चों में बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। इसका कारण समय में बदलाव है, दिनचर्या में बदलाव है, जो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ जो बदलाव हुए हैं उनके साथ ये आया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की कम हो गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार तो बहुत ही आम हो गया है। इसके लिए हम बच्चों को वैक्सीनेशन भी देते हैं। आज एलोपैथी में शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है तो समय समय पर उसको पोलियो ड्रॉप्स, MMR, DPT और अन्य वैक्सीन हम देते हैं। इन पर भी कुछ जो है तथ्य या कुछ ऐसी बातें उभर कर आई हैं कि ये भी बच्चों को बीमार करते हैं। खैर वो एक अलग विषय, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करेंगे इससे बिल्कुल विपरीत। मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है और मुझे कहा जाता है कि क्या कोई ऐसा विकल्प है आयुर्वेद में कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें, जिसको हम पिलाएं या जिसको हम दे सकें अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे एक स्वस्थ जीवन जिए। बिल्कुल विकल्प है। मैं काफी समय से इस पर शोध भी कर रहा था, इसको पढ़ भी रहा था और जब मेरी पूरी तरफ से संतुष्टि हो गई है तो मैं आज आपको बता रहा हूं। हो सकती है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसमें इस वैक्सीनेशन के लिए, मैं कहूं आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के लिए पूरी जानकारी दी गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब एक एक करके दे दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। इस औषधि का, इस वैक्सीनेशन का, आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का नाम है स्वर्ण प्राशन। जैसा ही आपने नाम से सुना, इसमें अनेकों आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारे शरीर को बल प्रदान करती हैं, शारीरिक और मानसिक। इसमें स्वर्ण भस्म, शंख पुष्पी, वचा, मधु जैसी औषधियां हैं जिनको लेना अक्सर स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है। अगर हम वैसे भी इनको ले ले तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। इन सब चीजों का एक मिश्रण, एक एग्जैक्ट अमाउंट में बनाकर इस औषधि का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट के द्वारा किया जा रहा है और पूरे भारत में ये जो है अपने इस स्वर्ण प्राशन को दे रहे हैं। अब इसमें कई सवाल हैं कि ये क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और किसको हम दे सकते हैं, इसको देने की विधि क्या है, उपलब्ध कैसे हो, इनका मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में अब जवाब दूंगा। इसको आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का नाम देना भी गलत नहीं होगा। अब ये क्यों दिया जाता है, उस सवाल पर आते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की कम हो गई है और उनको स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के माता पिता के सामने। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये दिया जाता है। मैंने बताया इसमें स्वर्ण भस्म है, शंख पुष्पी है, मधु है, वचा है, ये औषधियां बच्चों को स्वस्थ रखती है। इनके इम्यून सिस्टम को, बच्चों के इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करता है और अच्छा, मतलब उसको स्ट्रोंग करता है। इसके साथ साथ बच्चों के मानसिक जो है विकास पर भी ये काफी अच्छा प्रभाव डालता है और बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अच्छे से होते हैं। इसके लिए इसको दिया जाता है, मतलब बच्चों के कंप्लीट ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए स्वर्ण प्राशन हमें देना चाहिए, ये बच्चों को स्वस्थ रखता है। तीसरे सवाल पर या तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये किन किन को दिया जाता है या किसे हम दे सकते हैं। कश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन का जो है वर्णन आता है, ये एक आयुर्वेद का मैं कहूंगा किताब है या ग्रंथ है। कश्यप संहिता के आधार पर ही गुरुकुल ने इस औषधि का निर्माण किया है, इस आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का निर्माण किया है और इसमें बताया गया है कि हम कुमार अवस्था तक ये दे सकते हैं। अब कुमार अवस्था कितनी है, किसी ग्रंथ में वर्णन है कि कुमार अवस्था 10 साल तक है, किसी में 12, किसी में 14 या 15 साल तक।
मतलब कि मोटा मोटा आप ये ले लीजिए कि 10 से 15 साल तक का जब बच्चा होता है उसको हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं, और उसका ग्रोथ फेज भी लगभग यही होता है। 10 से 15 साल तक के बच्चे को हमें स्वर्ण प्राशन देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ जीवन जिए। इसके बाद एक और सवाल उठता है जो उठना भी चाहिए कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? आयुर्वेद की अधिकतर औषधियों का, या मैं कहूं कि लगभग हर एक औषधि का एक फायदा जरूर है कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसी प्रकार इस स्वर्ण प्राशन औषधि का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्वर्ण प्राशन औषधि जो है मॉडर्न मेडिकल लैब से टेस्टेड भी है, और जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम है इस औषधि को GMP सर्टिफाइड भी ये औषधि, मतलब कंप्लीट आप इस औषधि पर जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के द्वारा बनाई जाती है इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि इसको दिया कैसे जाए। ये एक मंत्र औषधि है, मतलब इसमें मंत्र का भी जो है मंत्र भी एक अपना कार्य करता है और जो औषधियां है वो एक अपना कार्य करती है। मंत्र औषधि से कहा गया है, और इसको देने का तरीका यह है कि आप बच्चे को सुबह जब भी बच्चा उठता है उसको उठा के स्नान वगैरह करके करवा कर उसे हमें खाली पेट नियमित इसको देना है। जब बच्चा 3 साल तक का होता है 0 to 3 years of age तो हमें 3 से 5 बूंद, जब बच्चा 3 से और 5 साल तक का होता है तो 5 से 7 बूंद, और जब बच्चा 5 से 15 साल तक का होता है तो उसे 7 से 9 बूंद तक ये औषधि हम उसकी जीभ पर टपका सकते हैं ड्रॉपर की तरह, जैसे हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। मंत्र क्या है औषधि को देने का? जब हम बच्चे को ये औषधि देते हैं सुबह खाली पेट तो एक मंत्र है, ओम भूर त्वई ददामी, हे वत्स तुम्हें तेज प्राप्त हो। ओम भुवः त्वई ददामी, हे वत्स तुम्हें प्रभाव प्राप्त हो। ओम स्वः त्वई ददामी, हे वत्स तुम्हें ओज प्राप्त हो। ओम भूर भुवः स्वः त्वई ददामी, मतलब हे वत्स तुम्हें तेज प्रभाव ओज ये सब ये तीनों प्राप्त हों। तीनों ही बच्चे के लिए आवश्यक है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ बनाते हैं ताकि वो एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करे। मंत्र औषधि है, दोनों का अपना महत्व है, दोनों को ही जो है एक अपना महत्व है, तो इन दोनों को हमें ध्यान में रख के इस औषधि को बच्चों को देना। एक बात का और ध्यान रखना औषधि देते समय कि बच्चे को ये खाली पेट हमें सुबह देना है, और इसके देने के बाद लगभग आधा पौना घंटे तक हमें बच्चे को कुछ नहीं देना। अब इस पर आखिरी प्रश्न आता है कि ये उपलब्ध कैसे हो। उपलब्ध होती है 2 तरीके से। एक तो ये आती है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जिसमें औषधियों की मात्रा, मतलब मधु की मात्रा, स्वर्ण भस्म की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर आपके घर के आसपास या आपके मोहल्ले में गली में 50-100 बच्चे आप ऐसे ही इकट्ठे कर सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो पुष्य नक्षत्र को ये औषधि, स्क्रीन पर अमरिंदर भाई का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर 50 या 100 बच्चे हैं तो वो एक निशुल्क कैंप पुष्य नक्षत्र पर लगा सकते, बच्चों को ये औषधि फ्री पिलाई जाती है। इसके बाद ये आती है डाइल्यूटेड फॉर्म में, जिसमें औषधियों की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो हम अपने बच्चे को हर रोज, मतलब नियमित रूप से दे सकते हैं। ये भी आपको इसी फोन नंबर पर मिलेंगी जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसको आप अपने बच्चे को हर रोज डेली दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 3 साल तक 3 से 5 बूंद जो है, 3 से 5 साल तक 5 से 7 बूंद, अगर 5 से 15 साल तक का बच्चा है तो उसको 7 से 9 बूंद, इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। एक बच्चों को स्वस्थ रखने का आयुर्वेदिक तरीका है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और हम एलोपैथी के जो है साइड इफेक्ट से बच्चों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। निर्णय आपका है, अगर आपके बच्चों को आपने स्वस्थ रखना है तो इस औषधि को जरूर अपनाएं। फोन नंबर दिया गया है, फोन नंबर पर कॉल करके आप अपने घर के लिए ये औषधि मंगा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए। उसके साथ साथ अगर आप किसी कार्यक्रम में 50-100 बच्चों को ये औषधि पिलाना चाहते हैं तो निशुल्क कैंप भी इसका लगाया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस औषधि की
जानकारी लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ताकि हमारा भारत की जो आने वाली नस्लें हैं वो स्वस्थ हों और एक वो आगे चलकर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।